कोई भी आदमी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर लेता है, शरीर के लचीलेपन को, और अपनी डाइट को चेंज कर लेता है, उसके ज्वाइंट अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी नसें अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाती है। हमारी जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल अगर कोई नहीं कर पा रहा तो हमारे पास आए, समय भी ज़्यादा नहीं लगता, 7 ही दिन में आप अपने शरीर में अंतर महसूस करें। तो मैं हर जगह घूम लिया सर, कहीं भी आराम नहीं है। मेरे को किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मेरे को 4th दिन है। अच्छा, 80-90% आराम है अभी। अच्छा महसूस, 80-90%, बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी। आराम मिलना और बीमारी ठीक होना मेरा मतलब दोनों चीजें अलग अलग है। हम बीमारी ठीक करने में विश्वास करते हैं, रिलीफ तो हम सिंगल सीटिंग में दे देते हैं। शरीर में बहुत बड़ी पावर है, शरीर अपने आप को ठीक करता है। अच्छा। लेकिन हम कुछ चीजें भूल चुके हैं जिस वजह से शरीर अपने आप रिकवरी नहीं कर पा रहा। हम बस शरीर को वही चीजें याद दिला रहे हैं। हम घुटने के पेशेंट को 1 हफ्ते में जिनका ऑपरेशन बोल रखा है काफी हद तक ठीक कर देते हैं। अच्छा, और दर्द में आराम पहले दिन से है, जिसका स्पेस बिल्कुल घुटनों का खत्म हो गया है। कोई कहे भाई 1 दिन में नहीं जी, 1 दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन आराम मिल जाएगा। सारे बाण भाइया ने, चाचे तव्वा ने, यार भाई लेना जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा, और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। सोशल मीडिया पे चैलेंज चल रहा है सपाटे मारन का, और देश बिना की वीडियो देखी होंगी, एक तो एक तगड़ा पहलवान गाबरू छोरा हुआ है और एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़न लग जाए सपाटे में, लगातार चैलेंज देने लग रहे हैं। लेकिन ई मार्केट में सोशल मीडिया पे नया चैलेंज आ गया है, और चैलेंज देने लग गए हैं डॉक्टर एक दूसरे से, क्योंकि आज जिस जगह पे हैं नेचुरल आयुर्वेदा सेंटर है रोहतक में है फिलहाल, और डॉक्टर कमल हैं जो चैलेंज दे रहे हैं घुटने के मरीज हैं, जोड़ों के दर्द के जो मरीज हैं, अगर उनका ऑपरेशन बता रहा है लास्ट स्टेज पर, डॉक्टर ने न्यू कह दी कि ऑपरेशन तो ठीक होगा, तो उन डॉक्टर ने चैलेंज है 7 दिन में पेशेंट आओ और 7 दिन में ठीक करने का चैलेंज देने लग रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बातचीत करेंगे। और एक और बात, मैं जिस जगह पर हूँ थमने अस्पताल जैसा लग गया है, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर हमने इस तरीके की चीज़ नहीं देखी होंगी, तो चैलेंज यो भी है कि जिस तरीके से आयुर्वेद ने बढ़ाने लग रहे हैं, आयुर्वेद की तरक्की जो हुई है, इस तरीके का आयुर्वेद सेंटर भी आपने नहीं मिलेगा, यो भी बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी सभी को, राम राम। मैं डॉक्टर कमल नेचुरल आयुर्वेदा सेंटर से। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर जो सपाटे चैलेंज तो चल रहा था, ये आप भी नया चैलेंज देने लग गए, मतलब दर्द के मरीज। देखो जी, बिल्कुल नया चैलेंज देने लगे। हम घुटने के पेशेंट को 1 हफ्ते में जिनका ऑपरेशन बोल रखा है काफी हद तक ठीक कर देते हैं। अच्छा, और दर्द में आराम पहले दिन से है। दर्द में पहले दिन? हाँ जी बिल्कुल पहले दिन से, और हमारी जो थेरेपीज हैं सारी आयुर्वेदा के बेस पे है। अच्छा। हाँ, कोई भी घुटने का पेशेंट हमारे पास आए, 1 दिन का ट्रीटमेंट ले और अपने शरीर में फर्क महसूस करे, फिर अपनी आत्मा से पूछे कि इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है कि रोक देना है। डॉक्टर साहब, मरीजी से इसे हैं लाखों रुपये खर्च कर लिए, हजारों तो टेस्ट पे, 1 दिन क्या खर्चा हो जाए, और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए, आप यूं कहो 7 दिन में फर्क महसूस करा दें, ऑपरेशन टाल हो जाएगी? बिल्कुल टाल हो जाएगी जी, आयुर्वेद में बहुत बड़ी पावर है, और हमारा तो हॉस्पिटल अब हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे, सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों के पैनल पे भी आ चुका है, मतलब हरियाणा सरकार, भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, और ताकि आयुर्वेद की सहायता से किसी भी तरह का दर्द बिना पेशेंट ठीक कर पाए। तो भाई डॉक्टर साहब का जब बेरा पाटा चैलेंज देवे हैं दर्द के मारे, दर्द के ऊपर दर्द ठीक करने का, ऑपरेशन वाले मरीजा तभी, हमने भी नहीं सोचा था कि आयुर्वेदा का तो ऐसे ही, जिस तरह आज तक हमने वीडियो देखी या बनाई है, तो नॉर्मल सा कोई डॉक्टर साहब होंगे, एक ठिकाना होगा, ठैया होगा, लेकिन इस लेवल पर बड़ा अस्पताल आयुर्वेदा का मेरे ख्याल से तो हरियाणा में नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा में इससे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल शायद मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह की साफ सफाई और बाकी आप देखेंगे, मैं आपकी विजिट करवाऊंगा, इस तरह का नहीं है। तो डॉक्टर साहब गारंटी वाले ये और जो हैं, गारंटी दे दें कोई झटका मार के 1 दिन में आराम दिखा दे है, कोई गारंटी ले ले है कि भाई 1 दिन में, 1 दिन की दवाई में आपका गोड्डा अंदर ठीक कर दूंगा, जोड़ा अंदर ठीक कर दूंगा, तो उन अच्छा डॉक्टर है वो कभी गारंटी नहीं देगा। गारंटी देने का मतलब है कि वो भगवान से भी बड़ा हो गया। आप इस बात को समझिए, एक डॉक्टर अपनी पूरी लगन के साथ पेशेंट के साथ मेहनत करता है ताकि उसकी मेहनत रंग लाए, हम वो चीज़ कर सकते हैं। गारंटी देने का मतलब है भगवान से बड़ा हो। सर हम भगवान से बड़े नहीं हैं, लेकिन अपनी जो ट्रीटमेंट है इस पर कॉन्फिडेंस है कि हम पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं,
अगर अब आप पूछोगे भाई पेशेंट ठीक कैसे कर पा रहे हैं, देखिए शरीर में किसी तरह का भी दर्द हो हमें सिर्फ तीन चीज़ों पे काम करना है, पेशेंट अपने आप ठीक होता है। अच्छा। पहला है फिजिकली, भाई फिजिकली से मतलब है हम थेरेपीज दे के उनकी बॉडी की अलाइनमेंट, ज्वाइंट्स की अलाइनमेंट, उनकी नसें दबी हुई है उनको खोल लें, सर्कुलेशन को बढ़ाएं। दूसरा है केमिकली, केमिकली मतलब उसका कैल्शियम, विटामिन डी, बी 12, शरीर में कोई कमी डाइट और दवाइयों की सहायता से पूरी करें। और तीसरा है इलेक्ट्रिकली अपनी विल पावर, अगर ये तीनों चीज़ें मिलके एक दिशा में काम करें तो प्रॉपर पेशेंट 100% ठीक हो सकता है। अच्छा, हमारा मानना ये है और हम इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, समय भी ज्यादा नहीं लगता, 7 ही दिन में आप अपने शरीर में अंतर महसूस करें। तो वो जो झटके वाले हैं वैद्य हैं डॉक्टर के अपना आपने हैं या और इस तरीके का काम करे हैं, वो जो रिलीफ मिला है वो कितना टिकाऊ माना? वो एक बार शरीर की अलाइनमेंट होगी लेकिन जो उसके हड्डियों में कमजोरी है वो तो पूरी नहीं हो सकती झटकों से, हमें तीनों चीजों पर काम करना पड़ेगा, हमें उसकी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अलाइनमेंट भी करनी पड़ेगी और उसकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इन पॉइंटों को समझ के अगर कोई डॉक्टर या कोई आदमी अपना इलाज करता है तो वही सक्सेस होगा। आराम मिलना और बीमारी ठीक होना मेरे मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हम बीमारी ठीक करने में विश्वास करते हैं, रिलीफ तो हम सिंगल सीटिंग में दे देते हैं। अच्छा, पहली बार में? हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन ठीक होने में टाइम, ठीक होने में समय लगता है सर, जिसका स्पेस बिल्कुल घुटनों का ख़त्म हो गया है, कोई कहे भाई एक दिन में, नहीं जी एक दिन में ठीक नहीं होगा लेकिन आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे अगर पेशेंट हमारी सारी बातें मानता है तो अपने सेहत में सुधार अपने आप वो एक हफ्ते में देख लेगा। तो डॉक्टर साहब किस तरीके से आपकी थेरेपी काम करे हैं, भीतर चाल के भी हम देखना चाहेंगे एक बार, आपको दिखाऊंगा जी एक एक चीज को समझाऊंगा। आ जाओ जी एक बार, आगे चलेंगे। तो ये जो है नेचुरल आयुर्वेदा सेंटर है और यहाँ पे डॉक्टर कमल से हमने बातचीत करी है, अंदर चल रहे हैं हम और अंदर देखेंगे भाई किस तरीके की थेरेपी दी जावे है और दवाई वगैरह भी डॉक्टर साहब दी जावे है इसके अलावा? हाँ जी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिल्कुल देते हैं जी, हमें तीनों ही पहलुओं पे इकट्ठा काम करना है जब भी पेशेंट 100% ठीक होता है। अच्छा, फिजिकली भी, केमिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। तो अंदर ये पंचकर्मा का है भाई सेंटर और कपिंग थेरेपी चल रही है। ये फायर कपिंग है सर, ये ब्लॉकेज को खोलती है, मसल्स को स्टिमुलेट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। अच्छा, जितनी हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम हमारे ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, उतनी ही जल्दी हम कमर की नसों को खोल सकते हैं। तो ये पेशेंट है, क्या तकलीफ है इनको और कितने दिन से यहाँ रह, कितना के कुछ? देखिए इसको L5S1 में दिक्कत है, पैर में सुन्नापन है और हम इसके कमर की चारों तरफ की मसल्स को लूज कर रहे हैं, पैर की मसल्स को लूज करेंगे, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट कर देंगे और प्रॉपर इसकी मेडिसिन चलेगी। अच्छा, आप पेशेंट से ही बात कर लीजिए, इसको कितना आराम है? पेशेंट से बात कर लेते हैं एक बार, मैं कहूँगा जी आप आगे ना आ जाओ, हम पेशेंट से पूछेंगे कितने दिन से आना शुरू करा है, कितना कुछ आराम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, कब से आयो, दिक्कत कहाँ है, कौन सी जगह पे दर्द है आपके? सर मेरे 8-7 साल से प्रॉब्लम है। अच्छा, L1 और S1 ये प्रॉब्लम है, S5 की। तो मैं हर जगह घूम लिया सर, कहीं भी आराम नहीं है, मेरे को किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मेरे को 4th दिन है। अच्छा, 80-90% आराम है अभी। अच्छा महसूस कर, 80-90% बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी। तो दवाइयाँ बहुत खाई होंगी, खूब खर्चा कर लिया? हर जगह जी एलोपैथिक वगैरह, आयुर्वेदिक और भी तरह तरह की दवाइयाँ खाई है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ आने के बाद मेरे को अच्छा महसूस हुआ। अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ जी। तो भाई ये पेशेंट जो है, इनके जो पेन की दिक्कत थी उस पर थेरेपी चल रही है और 4-5 दिन का टाइम जो है वो इनका होया है और उसमें इतना आराम बताने लग रहे हैं डॉक्टर साहब। तो पूछेंगे हम कि बहुत सारे मरीज भाई हमारे वो यूँ चाहे कि भाई हल्का फुल्का जब दर्द शुरू हुआ है, शुरुआती स्टेज पर हुआ है, तो घर से किस तरीके से हम ठीक कर सके हैं और अंदर तक जो पूरा हॉस्पिटल है ये बना रखा है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बहुत सारे मरीज हैं हमारे वो यूँ चाहे मतलब जानना चाहे हमेशा कि शुरुआती दौर जो है, शुरुआत मतलब दर्द शुरू होया है मेरे कंधे में, शुरू होया है मेरे गोड्डे में, शुरू होया है, उन दिनों में क्या चीज करें क्या ना करें कि दर्द को उसी टाइम पर काबू में किया जा सके? अगर कोई भी आदमी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है शरीर के लचीलेपन को, और अपनी डाइट को चेंज कर लेता है, उसके ज्वाइंट अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी नसें अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाती है। शरीर में बहुत बड़ी पावर है, शरीर अपने आप को ठीक करता है, लेकिन हम कुछ चीजें भूल चुके हैं
जिस वजह से शरीर अपने आप रिकवरी नहीं कर पा रहा, हम बस शरीर को वही चीजें याद दिला रहे हैं। अच्छा, हम छोटा सा काम कर रहे हैं, रिजल्ट अपने आप मिल जाते हैं। तो जो पुराने मरीज हैं उन पे आप इन तीनों चीजों पे काम करो। हाँ जी, तीनों चीजों। और नए मरीज अगर ये घर पे कर ले तो डॉक्टर हमारी जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो हमारे पास आए, हम ये चीजें अप्लाई करेंगे और आप अपने आप में अंतर देखना। तो ये जिस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर लिया, अपनी डाइट पे और अपने विल पावर पे अगर काम कर ले है पेशेंट, तो आधे से ज्यादा वो घर पे भी ठीक हो सका है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा पुराना दर्द है, ज्यादा पुरानी बीमारी है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब यूं कहे हैं कि हमारा चैलेंज लेकर देखो। ऑपरेशन वाले जो आइए आप मिलाते हैं हमें घुटने के पेशेंट से आपको, तो ये दूसरा वार्ड है और इसमें एक और पेशेंट है घुटने के, फोर्थ पर्सन है, गुड़िया आई हुई है हमारे पास। अच्छा, लिगामेंट्स ग्रेड थर्ड टीयर है जिसका ऑपरेटिव होता है, इसको हमारे पास 3-4 दिन हो गए, हम दिखाएंगे इसका कितना आराम है। बेटा किसमें दिक्कत थी? इसमें, इसमें, इसके इस पैर में दिक्कत है। जब हमारे पास आइए कितना बैंड हो रहा था बेटा? इतना, अब 4 दिन हो गए तो इसका काफी हद तक इसका बैंड हो पा रहा है। अच्छा, इसको पेन थी, स्वेलिंग थी, आज 4 दिन ना कोई, आप देखो स्वेलिंग भी नहीं है, इसका दर्द भी खत्म हो गया। तो खिलाड़ियों की ज्यादा दिक्कतें हैं ये, मतलब लिगामेंट डिग जावा है या फिर और कहीं ना कहीं इंजरी हो जावा है, तो लिगामेंट की प्रॉब्लम थी और ऑपरेशन की बता। हाँ जी, ऑपरेशन की बता दी थी जी, बिल्कुल। और अब मेरे हिसाब से और 20 दिन में ये दोबारा भाग पाएगी। अच्छा, तो कितना टाइम हो लिया इन्होंने आते? 4-4 डे है सर आज मेरा, तो 7 दिन का चैलेंज ही है सर। काफी हद तक मैं 7 दिन में बीमारी को रिकवर कर देता हूँ। देखिए मैं ये कहूँ कि 7 ही दिन आना है बीमारी, 100% समय लग सकता है, हर शरीर की रिकवरी अलग अलग है, लेकिन 7 दिन में फर्क जरूर महसूस करेंगे। तो ये मेरा चैलेंज है, 7 दिन में फर्क करने, आराम देने की जो है वो चैलेंज है। ऑपरेशन बोल रखा है जिन मरीजों को, उनके ऊपर ज्यादा काम करें डॉक्टर साहब। और किस किस बीमारी पे यहाँ पे दिया जाए और क्या क्या फैसिलिटी है? हाँ, मैं डॉक्टर कमल पेन मैनेजमेंट में डील करता हूँ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास शरीर की हर तरह की बीमारी के अलग अलग डॉक्टर हैं। आपको सिर में दर्द है, गायनी कोई प्रॉब्लम है, और कोई पेट की संबंधी कोई, या लंग्स की, या कोई यूरिनरी कोई दिक्कत है, तो इस चीज के अलग अलग डॉक्टर हैं हमारे पास, सारे आयुर्वेद के सारे हैं डॉक्टर साहब। एक मैंने बाहर आपकी जो बोर्ड लग रहा था उस पर पढ़ा कि इंश्योरेंस वालों का मतलब फ्री का वो किस तरीके? हाँ जी, हरियाणा में हमारा हॉस्पिटल है, अब ये हर तरह की प्राइवेट पॉलिसी है, हरियाणा गवर्नमेंट और सब पे ये लागू है। बिल्कुल सर, आप यहाँ आके अपना बिल रिवर्स करवा सकते हैं और कुछ टाइम बाद कैशलेस की भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध होगी। तो जिन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जावे है तो उसके उसने भी उरे जो है वो सुविधा है, अपना बिल जो है वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्लेम कर सके हैं। डॉक्टर साहब, जो घुटनों के पेशेंट हैं या पेन वाले ही, हाँ, और जो उस स्टेज पे हैं कि अब तो ऑपरेशन की तैयारी कर रखी है, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है जिसको शरीर में किसी भी ज्वाइंट में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, कमर दर्द है, घुटने का, जिनका ऑपरेट बोल रखा है, वो मेरे पास 7 दिन रुके, मेरे हिसाब से चले, अपने दर्द में फर्क महसूस करें, फिर ऑपरेशन की सोचें। ऑपरेशन आज करवा लो कल करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन को बचा पाए तो ये शायद मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी बात है। तो ये बड़ी बात है। और अगर आपका ऑपरेशन बोल रखा, स्पेशल वीडियो हमने आज इसलिए बनाई है, बहुत सारे लोग हैं ऑपरेशन में बड़ा खर्चा करें लेकिन घर का ब्यों तो नहीं होता, ठीक है? तो अब ऑपरेशन का खर्चा जो है वो बचाया जा सके है। रोहतक के विनयनगर में डॉक्टर साहब का ये हॉस्पिटल है, मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और यहाँ पे वो चैलेंज दे रहे हैं डॉक्टरों से भी, जो डॉक्टर ऑपरेशन बोल दे हैं उनको चैलेंज है कि 7 दिन में ये आराम करके दिखाएंगे ऑपरेशन वाली स्टेज के पेशेंट है। और अब जो ये वीडियो है हमने आप तक पहुंचाई है, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करने की ताकि उन मरीजों तक पहुंच जावे जिन लोगों ने इसकी ज्यादा जरूरत है। आपका यो योगदान भी शायद उनकी बीमारियां जो है वो ठीक कर पाएगा। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इस वीडियो ने शेयर करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।